हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज के ट्राइप्लाई स्टील कुकर के बारे में और इसको कंपेयर करेंगे बर्जनर के ट्राइप्लाई स्टील कुकर से। जनरली 2 लीटर कैपेसिटी में सारे कुकर्स आते हैं और यहाँ पे बर्जनर आपको प्रोवाइड कराता है 2.5 लीटर। तो 2 लीटर ज़्यादा बेहतर है या 2.5 लीटर, वो इस वीडियो में समझेंगे। उसी के साथ साथ दो तरीके के इंडिया के टॉप ब्रांड्स जो बहुत पहले से ट्राइप्लाई स्टील में आ रहा है और जिसने न्यू लॉन्च दिया है और काफी ज्यादा डिमांड में है। तो आज हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं प्रेस्टीज के ट्राइप्लाई स्टील बॉडी कुकर का बर्जनर के आर्जेंट ट्राइप्लाई स्टील कुकर से। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ट्राइप्लाई स्टील नहीं पता है और आप बहुत हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइप्लाई स्टील जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कुकिंग के टाइम पे, और इसमें आप स्टेनलेस स्टील में बिना जले किसी भी तरीके की कुकिंग आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो इनर सर्फेस है वो काफ़ी प्रीमियम स्टील का बना होता है जो कि नॉन रस्टेबल होता है और जिसमें कुकिंग का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो घर का हर आदमी हेल्दी भी रहेगा और कुकिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेस्टीज की दो बातें मैं बता देता हूं। प्रेस्टीज देता है स्वच्छ लिड का कुकर जिसमें दाल का पानी बाहर गिरता नहीं है, ISI मार्किंग के साथ मिलता है और जो कुकिंग सरफेस है वो पूरी तरीके से जॉइंटलेस होता है जिसकी वजह से गंदगी इसमें फंसती नहीं है। ओपन एंड क्लोजिंग करने का सिस्टम काफी वन हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो प्रेस्टीज का कुकर सिर्फ इसीलिए फेमस है ये वाला क्योंकि इसमें ओपन एंड क्लोजिंग बहुत आसानी से है, कुकर सेफ है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। बट आज हम धुआंधार कंपैरिजन करने वाले हैं इसका अनप्रेशर कुकर से जो कि बर्जनर की जान है। बर्जनर की पहचान ही इन कुकर्स की वजह से हुई है और काफ़ी डिफरेंट साइजेस देते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको इस कुकर की कंप्लीट डिटेल आपको दिखाते हैं। जब हम इस कुकर को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग मिलेगी। सबसे पहले हमें मिलेगा इसका गारंटी कार्ड और उसके साथ यहाँ पे विसिल का कंप्लीट। तो इसको अभी हम बाद में ओपन करेंगे, उसके बाद कुछ पैकेजिंग मटेरियल मिलेंगे जिसको हटा देंगे और अब निकालेंगे बर्जनर का स्पेशलाइज कुकर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में माना जाता है, ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये आपके सामने ले आते हैं और आप इसको अनबॉक्स करेंगे पहली बार आपके सामने और डिटेल कंपैरिजन करेंगे प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर से। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रहा बर्जनर का 2.5 लीटर का प्रीमियम कुकर जिसमें आपको यहाँ पे डबल हैंडल देखने को मिलता है। जनरली डबल हैंडल 3 लीटर से ऊपर कुकर को मिलता है बट बर्जनर ने आपको दे रखा है डबल हैंडल प्रेशर कुकर और वो भी काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग के साथ। इसमें यहाँ पे जो छेद आपको दिख रहा है ये एक ऑटोमेटिकली जब भी इसके अंदर प्रेशर होता है तो ये लॉक कर देता है पूरे कुकर को। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका क्या है कि अगर आप नए हैं कुकिंग में तो यहाँ पे इसको ओपन एंड क्लोज करना आसान है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम स्टील का कुकर है जिसको हम कुछ इस तरीके से रख देंगे सामने आपके और इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ओपन एंड क्लोज का सिस्टम बर्जनर का हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है और जब यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको क्लोज करते हैं तो एक फिटिंग वाली एक फील आएगी। देखिएगा, ये देखिए प्रॉपर फिट हो गया है तो अब कुकर हिलेगा नहीं और जब प्रेशर होगा तो कुकर ओपन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से 100% सेफ है। यहाँ पे एक बहुत क्लीन तरीके का सेफ्टी वॉल्व मिल जाता है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा सेफ्टी वॉल्व भी आपको मिलता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ जो गैस्केट इसकी दी हुई है वो काफ़ी स्पेशलाइज है और यहाँ पे सिलिकॉन की दी हुई है ISI मार्किंग के साथ, तो ये ओरिजिनल गैस्केट काफ़ी समय तक चल जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम प्रेशर पैन की बात करते हैं तो यहाँ पे पैन शेप कुकर मिलता है, अंदर की तरफ से मेजरमेंट्स आपको मिल जाते हैं। जनरली क्या है 2.5 लीटर का कुकर है बट फिल आप 1.5 लीटर तक ही कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। ये गाइडेंस बड़ी ज़रूरी होती है जब भी आप कुकर में कोई भी चीज़ भरते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ भर देंगे तो कुकर के बाहर फेंकने लगता है। नीचे की तरफ से ISI मार्किंग मिल जाएगी आपको और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कुछ क्वालिटी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम प्रेस्टीज के कुकर को भी ले आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या अंतर है। प्रेस्टीज के कुकर में 18x8 की स्टील यूज करी गई है, वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 18x10 की स्टील होती है। 18x10 और 18x8 की स्टील में अंतर क्या होता है कॉम्पोजिशन का, और ये ज्यादा कम ससेप्टेबल होता है रस्टिंग के। तो इसमें आपको एलॉय में 18x10 की स्टील मिलती है, प्रेस्टीज में 18x8 की स्टील मिलती है और इसमें अंदर से आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है जिसमें स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे और प्रेस्टीज में आपको प्रीमियम मिरर फिनिशिंग दोनों तरफ देखने को मिल जाती है।
दोनों ही कुकर काफी अच्छे हैं, बस अगर हैंडल की क्वालिटी की बात करी जाए तो बर्जनर का हैंडल थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का मुझे लगा, साथ ही साथ प्रेस्टीज का कुछ ज्यादा ही इलॉन्गेटेड हैंडल दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर बैलेंस की बात करते हैं तो बर्जनर कुकर का दोनों साइड से आपको डबल हैंडल सिस्टम मिलता है, जिसको रखने में हो सकता है थोड़ी सी स्पेस आपको ज्यादा लगे, बट कुकिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोनों ही कुकर को अगल बगल रख के अब इसको एक बार ओपन क्लोज करके फिर से दिखा देते हैं। तो ये प्रेस्टीज का कुकर है जिसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे, बहुत आसानी से हुआ, और ये बर्जनर का कुकर है जिसको हम यहाँ पे रख के क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों ही कुकर काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, मगर बर्जनर का ये कुकर आपका 2.5 लीटर का है, वहीं पे प्रेस्टीज का ये कुकर 2 लीटर कैपेसिटी का है। अगर 2 लीटर का कुकर आपके लिए छोटा पड़ता है तब बर्जनर का ये 2.5 लीटर आप ले सकते हैं। अब अगर मैं बर्जनर की सेफ्टी की बात करता हूँ तो बर्जनर भी ISI मार्किंग सेफ्टी फीचर्स में दे देता है। उसी के साथ इसको कह देते हैं अनप्रेशर कुकर, क्योंकि इसमें आपको काफी हेल्दी कुकिंग मिलती है। हेल्दी कुकिंग के साथ साथ अगर इसका डायमीटर की बात करी जाए, इसकी चौड़ाई की बात करी जाए तो 18 सेंटीमीटर की है। वहीं पे देखते हैं कि प्रेस्टीज की भी चौड़ाई उतनी है कि नहीं है। तो यहाँ पे लगभग इसकी जो विथ है वो प्रेस्टीज की कम है, बट बर्जनर की आपको ज्यादा मिलेगी। प्रेस्टीज की थोड़ी सी कम मिलेगी, बर्जनर की थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलती है। बट मैं अगर कहूँ एक के अंदर एक रखने में तो ये लगभग सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। और उसी के साथ अगर मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ तो इन दोनों में से कोई भी कुकर आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टॉप ब्रांड्स हैं। और अगर ये बात है कि अगर आप प्रेस्टीज से सेटिस्फाइड हैं तो प्रेस्टीज को स्विच करना बहुत समझदारी नहीं होगी, क्योंकि प्रेस्टीज और बर्जनर काफी अच्छी क्वालिटी ट्राइप्लाई स्टील में दे रहे हैं। दोनों में ही अच्छी स्टील यूज करी गई है, दोनों की डाई अच्छी है और दोनों काफी प्रॉमिसिंग दाम के साथ आते हैं। अगर मुझे परचेज करने होगा बर्जनर या प्रेस्टीज में तो मैं ज्यादातर प्रेस्टीज को इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि इसकी गैस्केट हर जगह अवेलेबल होती है, मगर वहीं पे अगर मैं क्वालिटी पे जाऊंगा तो बर्जनर की गैस्केट 5 साल गारंटी नहीं कह सकते, मतलब लगभग काफी ड्यूरेबल के साथ आती है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सा कुकर प्रेफर करोगे। अब अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो प्रेस्टीज का कुकर जो है तो लगभग 2600-2700 के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहीं पे बर्जनर की बात करते हैं तो बर्जनर में भी आपको 20% तक का डिस्काउंट आराम से मिल जाता है, बट बर्जनर थोड़ा कॉस्टलियर साइड में जाएगा, वो हमेशा से ही था जब से बर्जनर अपना ट्राइप्लाई स्टील लॉन्च कर रहा है। तो बर्जनर की जो एक बेस्ट रेट कह सकते हैं 2.5 लीटर का, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो गैस्केट रिलीजिंग सिस्टम दोनों में दिया जाता है, सेफ्टी वॉल दोनों में दिया जाता है। यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर है, तो यहाँ पे एक और फीचर यहाँ जुड़ जाता है जो कि पूरे हैंडल को लॉक करके रखता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि क्वालिटी वाइज दोनों ही काफी अच्छे आउटस्टैंडिंग है, और बट वही है कि अगर आपको प्रेफरेंसेस देखनी है तो प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से लुक के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही कुकर हाईली रिकमेंड मैं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।